नमस्कार, वीडियो टीवी भारत में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र की सत्ता गंवाने के बाद अब शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे को एक और झटका लगा है। ठाणे नगर निगम भी अब शिवसेना के हाथ से निकल गई है। दरअसल यहां शिवसेना के 67 में से 66 पार्षद एकनाथ शिंदे ग्रुप में शामिल हो गए हैं। शिवसेना के लिए ये सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि सभी 66 शिवसेना पार्षदों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके आवास पर मुलाकात की थी। मुंबई नगर निगम के बाद ठाणे नगर निगम महाराष्ट्र की दूसरी सबसे अहम और बड़ी निगम है। एकनाथ शिंदे की ठाणे में मजबूत पकड़ मानी जाती है। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत भी यहीं से की थी। उन्होंने 1997 में ठाणे नगर निगम चुनाव में पार्षद का चुनाव जीता था। 2001 में नगर निगम सदन के विपक्ष के नेता भी रहे। इसके बाद 2002 में वे दूसरी बार ठाणे से निगम पार्षद बने। एकनाथ शिंदे 2004 में ठाणे विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे। इसके बाद वे 2009, 2014 और 2019 में ठाणे की कोपरी पचपाखड़ी सीट से चुनाव जीते। शिवसेना में टूट के चलते उद्धव के नेतृत्व वाली सरकार गिर चुकी है। इसके बाद एकनाथ शिंदे बीजेपी के समर्थन में राज्य के सीएम बने, वहीं देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने। एकनाथ शिंदे के खेमे में 50 विधायक हैं, इनमें शिवसेना के विधायक और निर्दलीय विधायक शामिल हैं। इसी तरह के ताजा अपडेट के लिए वीडियो टीवी भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।